हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो भी क्विज फॉर्मेट में। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन से। डूडल फॉर गूगल 2019 प्रतियोगिता का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अरंताजा पेना पोपो को, या मिस्टे लॉरेंस को, जेने पीटरसन्स को, या एंड्रयू कॉर्नवेल को? तो ये किसको दिया गया आपको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये जो डूडल ऑफ फॉर गूगल 2019 जो पुरस्कार दिया गया, वो दिया गया एंट्रेंजा पेना पोपो को, यानी कि इसका सही आंसर है अमेरिका स्थित जॉर्जिया की एंट्रेंजा पेना पोपो ने डूडल फॉर गूगल 2019 प्रतियोगिता का पुरस्कार जीता है। उन्हें पुरस्कार के तौर पर $30,000 यानी कि इनामी राशि और $50,000 का टेक्नोलॉजी अवार्ड मिला। यह प्रतियोगिता हर वर्ष गूगल द्वारा आयोजित की जाती है। सबको बस इतना से ध्यान रखना है, ये अवार्ड किसको दिया गया? ये दिया गया एंट्रेंजा पेना पोपो। तो आप सीधा इसको याद कर सकते हैं पेना पोपो से, बस आप इतना याद रख लीजिए। डूडल का अवार्ड किसको दिया? पेना पोपो को, और ये कहाँ की? अमेरिका की। बस आप कितना से ध्यान रख लिए, और ये अवार्ड आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लॉन्च किए जाने के साथ साथ किस मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया? तो ये एक ऐप लॉन्च की गई है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के लिए, स्वच्छ परिवार ऐप, स्वच्छता के साथ ही ऐप, स्वच्छ निर्माण ऐप, स्वच्छ नगर ऐप। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सी ऐप लॉन्च की गई स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के साथ में। जो ऐप लॉन्च की गई उसका नाम है स्वच्छ नगर ऐप, यानी कि डी इसका सही आंसर है। स्वच्छ नगर ऐप के माध्यम से आम लोग शहरी नगर निकाय को घर के कचरा दे सकेंगे। इस ऐप का पर लोगों के कचरा उठाने के लिए सरकारी वाहनों को बुला सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से सरकारी वाहनों को ट्रैक भी किया जा सकेगा। तो जैसे आप सबने देखा होगा, जो सरकारी वाहन आते हैं, जो कचरा लेने वाली जो गाड़ी आती है, तो उसे आप इसे इस ऐप के थ्रू ट्रैक भी कर पाएंगे। इस ऐप का नाम है स्वच्छ नगर ऐप। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास मतलब कभी गाड़ी नहीं आती, तो आप इसे डाउनलोड करके उन सरकारी गाड़ी को बुला भी सकते हैं, और इसे ट्रैक भी किया जाता है। इससे शहरों में सफाई बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर चक्र किसको दिया जाता है? अभी जैसे परमवीर चक्र के लिए भी क्वेश्चन आए थे और एग्जाम्स में पूछे गए थे, आप सबको इनको भी ध्यान रखना है। तो वीर चक्र किसे दिया जाएगा स्वतंत्रता दिवस पर, आपको बताना है। राजीव अरोड़ा को, केएल नायक को, अभिनंदन वर्धमान को, या सुमित प्रकाश को? तो ये दिया जाएगा अभिनंदन वर्धमान को, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पाकिस्तान के AF-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने वाले भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान को स्वतंत्रता दिवस के वीर चक्र से नवाजा जाएगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी विमानों को भारतीय हवाई क्षेत्र में भगाने के दौरान अभिनंदन का विमान पाकिस्तानी सीमा में जा गिरा था, उन्हें बंदी बनाया गया था, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, आप सब जानते हैं अभिनंदन को, तो ये उन्हीं को दिया जा रहा है वीर चक्र का सम्मान स्वतंत्रता दिवस पर। आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2019 का संस्कृत दिवस कब मनाया गया? संस्कृत दिवस भी आपको बताना है, ये कब मनाया गया? 14 अगस्त को, 15 अगस्त को, 16 अगस्त को, या 17 अगस्त को? अब जैसे अभी जो 2-3 महीने में एग्जाम्स होंगे, उन सब में क्वेश्चंस जो आते हैं जनरली जो डेट्स से रिलेटेड, तो यही आते हैं पिछले 2-3 महीने या पिछले 6 महीने से पुराने यही क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगस्त का भी संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 अगस्त को, अपने स्वतंत्रता दिवस के साथ में ये संस्कृत दिवस मनाया जाता है। विश्व संस्कृत दिवस इस बार 15 अगस्त 2019 को मनाया जाएगा। संस्कृत दिवस प्रत्येक वर्ष सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो इस बार पूर्णिमा कब की है? 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त को ये भी मनाया जाएगा। ये संस्कृत माना जाता है कि संस्कृत भाषा का उदय भारत से लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह विश्व संस्कृत दिवस 1969 में मनाया गया था, पहला यहाँ मनाया गया था 1969 में, उसके बाद से कंटिन्यू मनाया जाता है, हर पूर्णिमा को मनाया जाता है ये, मतलब सावन मास की हर पूर्णिमा को। तो इस बार देखिए आपके पास तीन उत्सव एक साथ हो गए, राखी, स्वतंत्रता दिवस और ये संस्कृत दिवस, तो ये तीनों दिवस एक साथ हो गए, तो आपको ये ध्यान रखना है तीनों का। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एलिफेंट डे का आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि इसके ऊपर अभी बहुत से प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं और इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा अब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, एक हॉस्पिटल खोला गया है, तो आपको बताना है वो हॉस्पिटल कहाँ पर खोला गया है हाथियों के लिए। तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, हाथियों की हेल्थ के लिए वो खोला गया है हॉस्पिटल। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको बताना है, 12 अगस्त को, 15 अगस्त को, 10 अगस्त या 13 अगस्त? तो विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, यानी कि ये इसका सही आंसर है। इस दिवस को बनाने का मुख्य उद्देश्य हाथियों को संरक्षण करना, जंगली हाथियों की संख्या और उनकी स्थिति एवं प्रबंधन के बारे में जानकारी मुहैया कराना है। हथियारों का अवैध शिकार, आवास की हानि, मानव हाथी संरक्षण और खेत में रखकर उनके साथ दुर्व्यवहार, अफ्रीकी और एशियाई दोनों हाथियों में समान खतरों पर तहत आते हैं। तो मतलब आपको ध्यान रखना, अभी वैसे भी हाथियों की संख्या कम होती जा रही है, तो इसलिए जैसे अभी टाइगर्स की कम हो गई थी,
तो वैसे अभी ये हाथी भी कमोली थी, इसलिए वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है 12 अगस्त, तो आपको ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने 6 शहरों भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जोधपुर, पुणे, अहमदाबाद और किस शहर की पहचान की है जिसमें सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इन सब शहरों को विकसित किया जाएगा कि कुछ नया करने के लिए नॉलेज में और या फिर इनोवेशन के फॉर्मेट में इन्हें विकसित किया जाएगा। तो बताओ, बताना है भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जोधपुर, पुणे और अहमदाबाद के बाद में कौन सा शहर इसमें ऐड किया, छठा शहर कौन सा है? जयपुर है, पटना है, दिल्ली है, हैदराबाद है। तो जो छठा शहर है वो हैदराबाद, यानी कि डी इसका सही आंसर है। इस परियोजना का उद्देश्य देश में स्थित तमाम संस्थाओं और शहर राज्य के में स्थित विभिन्न उद्योगों के अंतर्गत अनुसंधान और ज्ञान के संपर्क स्थापित करना है। इसका नेतृत्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना के लिए अब तक भुवनेश्वर में लगभग 20 राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाएं और पुणे में 30 अलग अलग व्यावसायिक उद्यमों को जोड़ा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये उन सब में मतलब जो जो भी मतलब वहाँ इनोवेशन वगैरह करते हैं, जो छोटे मोटे उद्योग से, उन सबको बढ़ावा देने के लिए और उसमें नई टेक्निक्स को इनोवेट करने के लिए ये स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसे नाम ध्यान रखना है, सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर के रूप में स्टार्ट किया जा रहा है ये। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने पहली बार एनोड के रूप में हल्के स्टील का प्रयोग करके रिचार्जेबल आयरन बैटरी का निर्माण किया है? तो आयरन बैटरी जो बनाई, आयरन आयन बैटरी बनाई गई है, तो बताना है किस आईआईटी के द्वारा बनाई गई। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर। तो ये पहली बार जो एनोड के रूप में बनाई गई हल्के स्टील की जो रिचार्जेबल बैटरी थी वो बनाई गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा, यानी कि बीस का सही आंसर है। वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बढ़ती मांग को देखते हुए सस्ती बैटरी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक, अभी आप सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक जो मतलब इलेक्ट्रिकल वाहनों पे अब ज़्यादा फोकस किया जाए, 2030 तक जितने भी जो वाहन होंगे उन सबको पेट्रोल डीजल वालों को बंद कर दिया जाएगा और सारे जो वाहन होंगे वो हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक वाहनों पर आधारित। तो सर इसलिए बैटरी की नीड आपको सबसे ज़्यादा पड़ेगी। तो इसलिए यही है कि सस्ती बैटरी विकसित करने के ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भारत और विश्व में लिथियम भंडार की कमी के कारण अन्य सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है जो लिथियम की तरह कार्य कर सके। आयरन में इस अधिक स्थिरता के गुण के कारण चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान शॉर्ट सर्किट में बहुत कम संभावना होती है, इसलिए अब इसको ये भी ये यूज़ में लेने की ट्राई कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, लिथियम तो वैसे ही कम होता जा रहा है, इसलिए अभी किस पे ट्राई कर रहे हैं, हल्के स्टील पे, सॉरी आयरन आयरन आयन की बैटरी बना रहे हैं। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में गोवा बिल को किस राज्य में पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो आपको बताना है गोवा बिल को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये बताना है बिहार का, झारखंड का, पंजाब का या कर्नाटक का। तो ये जो ग्लोबल बिल है इसको घोषित किया गया है बिहार का सामुदायिक रिजर्व घोषित किया, सॉरी गोगा बिल एक स्थानीय जल निकाय है। हालांकि कुछ ये गर्मियों में कुछ हद तक सिकुड़ती है लेकिन कभी पूरी तरह सूखती नहीं है। गोगा बिल बिहार के कटिहार जिले में स्थित है, जिसके उत्तर में महानंदा और कनखर तथा दक्षिण में दक्षिण पूर्व में गंगा नदी है। इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क द्वारा हाल साल 2004 में गोगा बिल को बागर बिल और बल्दिया चोर सहित बागर के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में घोषित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, अब आपसे नेक्स्ट एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सामुदायिक रिजर्व में किसे घोषित किया गया, आपसे पूछा जाएगा कि गोगा बिल कहाँ स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है गोगा बिल बिहार में स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वन विभाग ने किस वन्य जीव अभयारण्य में शामिल करने हेतु लगभग 300 हेक्टेयर की भूमि का पहचान किया है? तो 300 हेक्टेयर की भूमि कहाँ पे की जा रही है? नार वन्य जीव अभयारण्य में, असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य में, कृष्णा वन्य जीव अभयारण्य में या दामला वन्य जीव अभयारण्य। तो ये की जा रही है कृष्णा वन्य जीव अभयारण्य, यानी कि सी इसका सही आंसर है। चिन्हित की गई भूमि को कृष्णा वन्य जीव अभयारण्य में शामिल किया जा रहा है करने की दृष्टि से सिफारिश राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा की गई। कृष्णा वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब आपको एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आएगा कि कृष्णा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। बस आपको इतना ध्यान रखना है, यह अभयारण्य आंध्र प्रदेश के प्रदेश में मैंग्रोव वेटलैंड का एक हिस्सा है जो कृष्णा डेल्टा के तटीय मैदान पर स्थित है तथा आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गुंटूर जिले में फैला हुआ है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कहाँ पर ये उस कृष्णा वन्य जीव अभयारण्य यह है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त से पहले किस देशभक्त गीत को रिलीज किया गया? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त से पहले एक गीत लॉन्च किया गया देशभक्ति गीत, तो वो कौन सा था? वतन, आज़ादी, मेरा देश, हम साथी। तो वो था वतन, यानी कि ए इसका सही आंसर है। दूरदर्शन द्वारा वतन वीडियो गीत तैयार किया गया, इसे सूचना एवं प्रसारण मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने भारत को डेडिकेट किया। इस गीत के माध्यम से नए इंडिया को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसे जावेद अली ने गाया है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा था किसने गाया है, ये जावेद अली ने गाया है। और किसने डेडिकेट किया? सूचना एवं प्रसारण मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर। और किसके द्वारा ये तैयार किया गया? ये तैयार किया गया दूरदर्शन के द्वारा। और गाने का नाम क्या है? गाने का नाम है वतन।
तो आपको इस हिसाब से ध्यान रखना है, मतलब इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, और आप अगर हमारी जो भी जीके टेक्स वाली वीडियो वाईफाई जीके नाम से एक प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं, वो भी आपके लिए डेली अपलोड उसमें ट्रिक्स डाली जा रही है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। इसी के साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाएँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।